जिनका प्रीलिम्स नहीं हुआ ना अभी, वो लोग क्या करेंगे पता है? अब लोग इनका नेक्स्ट कार्यक्रम यही है कि ये अब इसको छांटेंगे कि कैनरा बैंक का पीओ, कैनरा बैंक पीओ का कट ऑफ क्या होगा, कैनरा बैंक का रिजल्ट कब आएगा। अब ये बेकार से चीजों का अपना टाइम फिर बर्बाद करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष कुमार सिंह और आप सभी ने लॉग इन किया है स्टूडेंट फरमाइश। स्टूडेंट फरमाइश पे आज हम लोग कुछ बातों को लेकर चर्चा करेंगे, क्योंकि आज आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स का रिजल्ट आया। बेसिकली ये रिजल्ट स्टेटस था। तो ये वीडियो आप लोग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो विश्वास नहीं करते हैं, और अगर मैं उनको रिजल्ट ना दिखाऊं तो उनका खाना हजम नहीं होगा। तो बस उनका खाना हजम करने के लिए और आप सभी को कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये वीडियो आपके सामने है। तो सबसे पहला देख लो, ये मेरा मार्क्स है, यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखा है, और मुझे नहीं लगता कि और कुछ, बस इतना ही तो आया है यार। जब फिर आएगा मार्क्स तो फिर मैं आप सभी को शेयर कर दूंगा, ठीक है? देखो दोस्तों, दो चीजें हैं यहाँ पे, लेकिन उन सभी के बारे में बात करने से पहले मैं सभी से माफी चाहता हूँ। माफी इस बात की क्योंकि मैंने आज दोपहर में लाइव किया था, तो वहां पे मैंने बोला था कि आज एक टेलीग्राम ग्रुप बनाऊंगा जहां पे जो बंदे प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिए हैं उनके लिए एक मेंस अच्छा प्रिपरेशन हो सके तो एक अलग सा ग्रुप बनाऊंगा। तो फिर उसके बाद मुझे 15-20 मेल्स ऐसे भी मुझे देखने को मिले जहाँ पे उन्होंने ये कहा कि भैया हम भी इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन हम तो प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो क्या हम इन लोग से अलग हैं क्या? तो यार देखो यार, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन मैं नहीं करना चाहता या ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन का भाव मेरे मन में नहीं है, ठीक है? तो इस कारण ही मैं टेलीग्राम का ग्रुप नहीं बनाना चाहता। और एक बात है कि देखो, अगर मैं बना भी देता कि कुछ भी कर देता तो 1 आवर के अंदर ही ना 250+ मेल्स मुझे मिले कि भैया हमारा क्वालिफाई हो गया है, हमें ज्वाइन करा दो। तो एक एक करके सबको फिर लिंक भेजना, इट्स वेरी हेक्टिक हेक्टिक टास्क। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एट ऑल कि इतने सारे मेल्स मुझे आएंगे, ठीक है? तो ये सब चीज़ों के लिए मैं टेलीग्राम ग्रुप अभी तो नहीं बना रहा हूँ, जस्ट हैंग ऑन। बहुत जल्दी मैं टेलीग्राम ग्रुप लाऊंगा, वहाँ पे हमारे स्टूडेंट फरमाइश के सभी लोग जुड़ेंगे। अरे यार, हम सब लोग एक ही हैं, ठीक है? ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन मत सोचना यार, ठीक है? मेरे मन में ऐसा कभी खोट नहीं होता। अब दूसरा बात यह है दोस्तों कि जिनका सिलेक्शन हुआ है और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले तो बता देता हूँ कि जिनका सिलेक्शन हुआ है और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिनका सिलेक्शन हुआ है ये मत सोचो कि यार जॉब तुम्हारे हाथ लग गई है, ठीक है? अब जब तक आपका जॉब ना हो, जब तक आपके पास जॉब का इंटीमेशन लेटर ना आए, तब तक आपको मेहनत करना ही चाहिए। ऐसा मत सोचो कि प्रीलिम्स हो गया। देखो, जितना मैं सुन रहा था, 1:15 या 1:10 के रेशियो में बटे हुए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस बार सिलेक्ट हुए हैं। तो बिल्कुल मत सोचो कि इट्स वेरी इजी फॉर यू नाउ, बिकॉज अब तो बच्चे छांटे गए हैं, अब तगड़े बच्चों के बीच आपका कंपटीशन है, तो काफ़ी टफ होने वाला है, ठीक है? तो जब तक जॉब का इंटीमेशन लेटर पूरा हाथ में ना आ जाए ना, तब तक आपको पढ़ाई बरकरार रखना चाहिए, ठीक? नेक्स्ट बात यह है दोस्तों, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, यार ऐसा भी एक मुझे मेल आता है कि भैया मैं प्रिपरेशन छोड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा वो कर। यार मत करो ये सब चीज़ें, क्यों इतना? एक ही एग्जाम से क्या तुम अपने करियर कैसे डिसाइड कर लेते हो? एक एग्जाम तुम्हारे करियर कभी डिसाइड नहीं कर सकता दोस्तों। अब रही कसर ये कि यार तुम लोग अगर बोलोगे कि भैया बहुत डिप्रेशन लग रहा है, बहुत फ्रस्ट्रेशन लग रहा है, और मैं आप सभी को बोलूं कि यार डोंट वरी, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका हर मदद करूंगा, ये बहुत पुराना हो गया दोस्तों। ये चीज़ सही बात है कि हर कोई दिलासा देगा, हर कोई ये बोलेगा कि यार चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। बट सबसे जो अंदर अगर आपको लगा है ना जोर का, तो इससे बड़ा और क्या मैं आपको बताऊं? अगर ये सबक आपको मिल गया है कि नहीं यार मुझे लगा है जोर का, तो आप ये सब चीजें कभी नहीं बोलोगे। फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ये चीज सब चीजें कभी नहीं बोलोगे, ठीक है? तो मैं ये बोलूंगा कि अगर नहीं हुआ तो जस्ट 1 आवर 2 आवर्स का ब्रेक लो, उसके बाद स्टार्ट कर लो, उसके बाद स्टार्ट कर लो एओ का प्रिपरेशन हो या आगे चल के जो भी हो। यार कुछ बच्चे ऐसे भी हैं यार, मैं हाथ जोड़ के आप सभी से प्रार्थना कर रहा हूँ, जिनका प्रीलिम्स नहीं हुआ ना अभी, वो लोग क्या करेंगे पता है? अब लोग इनका नेक्स्ट कार्यक्रम यही है कि ये अब इसको छांटेंगे कि कैनरा बैंक पीओ का कट ऑफ क्या होगा, कैनरा बैंक का रिजल्ट कब आएगा। अब ये बेकार से चीजों का अपना टाइम फिर बर्बाद करेंगे। कौन लोग जिनका प्रीलिम्स नहीं हुआ, ये अब ये सब चीजें क्या कर रहे हो?
वाई यूर वेस्टिंग टाइम, ये 3 4 5 दिन जब तक रिजल्ट ना आए ना तो ये लोग पढ़ेंगे ही नहीं, ऐसा मत करो यार। मैं बार बार बताता हूँ कि आप जिस वक्त पे मेरा ये वीडियो देख रहे हो, इस वक्त पे दिल्ली में बैठा हुआ एक लड़का प्रिपरेशन कर रहा है यार, समझो मेरी बातों को, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट इन इन टूडेज लाइफ टू क्रैक ए गवर्नमेंट जॉब यार, आप मानो मेरे बात को। मैं हमेशा मैं जो बताता हूँ आप सुनते नहीं हो, मतलब 2 महीने पहले मैं बार बार मैं आप सभी से जिक्र कर रहा था यार, 50 मुख लगाओ, 50 मुख लगाओ, आप क्यों नहीं सुन रहे थे? जो बंदा 50 मुख लगाए ना आज खुशी के मारे, वो मतलब क्या बताऊं, इतना कॉन्फिडेंट फील कर रहा होगा वो बंदा कि जब एग्जामिनेशन दे दी ना तो आप लोगों की तरह ये ऐसा ढूंढ नहीं रहा था, वो मेंस की प्रिपरेशन कर रहा था। तो मैं बार बार आप सभी को बताता हूँ दोस्तों कि आप जो भी स्ट्रेटेजी मैं यहाँ पे बताता हूँ थोड़ा ध्यान से सुना करो। अब लास्ट में वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा क्लर्क मेंस का स्ट्रेटेजी कैसे करना है करके, ठीक है? इसके देखो यार मैं लिख भी नहीं पा रहा हूँ, वेरी टायर्ड नाउ, ठीक है? तो क्लर्क मेंस का जो क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, बकायदा एक तगड़ा स्ट्रेटेजी मैंने वहाँ पे रिलीज किया है, पब्लिश किया, वो आप जाके देख लो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, जय हिंद जय भारत। प्लीज और टाइम वेस्ट ना करो, ठीक है? जो बताना था शायद आप लोग समझ गए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।